हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है 2 तारीख का, 2nd of November। तो उस दिन मॉर्निंग में मैंने सारा खाना बना लिया था क्योंकि मुझे जाना था वर्धा से बाहर। तो यहाँ पे सारा खाना है, मतलब तीखी वाली सब्जी और फीकी सब्जी, दाल चावल रोटी सब कुछ मैंने बना लिया था क्योंकि मैं निकलने वाली थी यहाँ से मेरी कज़िन के घर पे। तो बस अभी यहाँ से चले गए थे हम लोग बस से। तो अभी मैं और बच्चे, हम दोनों तीनों ही जा रहे हैं। हस्बैंड साथ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बिज़ी थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम ही चले जाए क्योंकि यहाँ से बस 1 घंटे का रन था, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस यहाँ से आना जाना हमेशा चालू रहता है नागपुर तक। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि नहीं अकेले जाना है करके, कोई दिक्कत वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के साथ मैं इजीली चली जाती हूँ। और ये रास्ता इतना प्यारा है ना, वर्धा से नागपुर का, बहुत ही प्यारा रोड बन चुका है। अभी पहले इतना नहीं था, अभी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है ये रोड। और यहाँ पर अनाया जो थी सो गई थी और पीयू उसका खाना पीना बस में बिल्कुल चालू था। तो बस उसके बाद हम लोग पहुँच गए और शुभम आया था हमको लेने के लिए। अभी हम लोग घर पहुँच गए, बाबा और मौसा जी सामने वेट कर रहे हैं। बस अभी बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या क्या चालू है। चश्मा निकाल लो ना, चलो फोटो निकाल। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे मेरी सिस्टर के यहाँ जहाँ हमको आना था, और यहाँ पे मेरे आई बाबा भी आए हुए हैं। चलो दीदी का बाबा यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हाँ वो मैं नहीं लेती। हाँ एक पिगी है ना, या पिगी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, मतलब घर में जा रहे हैं। तो ये मेरे मौसी का बेटा है जो मुझे लेने के लिए आया था। तो आज जो है ना, मेरी मौसी की जो बेटी है, मेरी सिस्टर, उसका जो है 7वां महीना है, पाड़ना जिसको बोलते हैं मराठी में, आज उसका है गोद भराई की रस्म, बेबी शार, मतलब ये सारी चीज़ें जो उस बोलते हैं। तो बस यहाँ पे सब लोग बैठे हुए, और नाना और पीहू का दोनों का झगड़ा चालू था, और नानी के साथ में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं बस यहाँ से निकलने का, क्योंकि तैयारी वगैरह चालू थी। इसके बाद जो है ना, फ़ोटोशूट वगैरह का भी कार्यक्रम हुआ इनका, मतलब फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, बहुत अच्छा फ़ोटोशूट हुआ है। और इसके बाद बस निकल गए थे हॉल के लिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉल के लिए जहाँ पे प्रोग्राम है, सब लोग तैयार हो गए। तो मैं ना, मेरी तैयारी में वर्धा से ही करके आई थी क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से, 45 मिनट्स का जो है रास्ता है वर्धा से पुट्टी पूरी का, जहाँ मुझे आना था। तो यहाँ पे बस मैं तैयारी करके आई थी क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लगता है फिर यहाँ पे तैयार होने के लिए। वो कार्यक्रम जो था, मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही देर से निकली थी, ताकि मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं, टाइम पर मुझे मिल जाना चाहिए। तो मैं काफ़ी देर से निकली थी, तो सोचा कि नहीं, मैं पहले ही तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर वहाँ पर जाकर तैयारी करने का मौका मिले नहीं मिले, इससे मैं तैयार होकर घर से निकल गई थी। और वैसे भी ठंडा वेदर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो बस यहाँ से चारों तरफ कैमरा है ना, ध्यान रखना, कैमरा मेरा कभी भी निकल सकता है, ध्यान रखना। मैं अपना निकाली, तू आना बाहर, तेरा भी निकालती हूँ। ये आ जा, तू आएगी, आए लग जाएगा बेटा धीरे धीरे। ठीक है, खड़ी हो, हाँ चालू है। तो जो प्रोग्राम था आज का बेबी शार का, बहुत अच्छा हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को। तो और मेरे आई बाबा आए हुए थे, तो मुझे, मैं मतलब इस बहाने मुझे उनसे मिलना हो गया, नहीं तो ऐसे मिलना नहीं होता। सीधे गर्मी में मैं जाती तब मेरा मिलना होता था मेरे आई बाबा से। तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आई बाबा भी आ गए थे। उसके बाद फिर हॉल में पहुँचने के बाद वहाँ का जो इन्वायरमेंट था बहुत अच्छा था, और जो डेकोरेशन किया था ना, बहुत प्यारा किया था। और आगे जो था, गेम्स वगैरह हुए, डांस वगैरह हुए, तो बहुत अच्छे थे। और गाने वगैरह जो होते पाड़ने के गाने, जो गोदी भराई के गाने होते, यहाँ पे तो मराठी में हुए थे, शायद किसी को समझ में आए किसी को नहीं आए, जिसको मराठी समझ में आती उसको आए, जिसको नहीं आती तो शायद ना आए। लेकिन बहुत अच्छा जो प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा हुआ था।
तो बस उसके बाद सारे गेम्स वगैरह हुए, गेम्स वगैरह बहुत अच्छे हुए, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद हो गया था हमारा खाना, और खाने में थी रसमलाई मीठे में, और ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत अच्छे से खाई। और यहाँ पे मैं, मेरी आई, हम दोनों साथ में यहाँ पे बैठे हुए थे, और बच्चे भी थे जो खाना खा रहे थे साथ में। और रसमलाई थी ना, रसमलाई मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो मन भर के खाई है रसमलाई। और बस यहाँ पे इसके बाद उसके मतलब आई बाबा के साथ थोड़ी देर बैठी, बातें करी, मौसी थी, मौसी की बहू वगैरह, और कुछ पिक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छे मोमेंट्स है आज के फोटोज वीडियोज बच्चों के। तो ये आज के प्यारे प्यारे मोमेंट्स, मेमोरीज जो कि फ़ोटो में कैद होके रह गई है। यहाँ पे मेरे आई बाबा, और इसके बाद यहाँ पे नानी के साथ अनाया पीहू की, अनाया की पिक्चर्स, और ये मोम टू बी मॉम एंड पापा ऑल्सो। और यहाँ पे है मेरी भाभी, मतलब अभी जो भाई दिखाया था ना, उसकी वाइफ, मौसी की बहू। तो बस ये सदा आज का, मैं, मेरे बाबा, मेरी आई, बस प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है, और थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से जो है निकल जाएंगे, और इधर है सब लोग, प्रोग्राम, फोटो सेशन सब कुछ हो चुका है, बस उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग घर के लिए। तो बस अभी जो है मैं निकल गई थी मैं वर्धा के लिए मौसी के बेटे के साथ, क्योंकि मौसी जो है वर्धा में ही रहती है, तो मौसी नहीं आ रही थी, तो मौसी की बहू और बेटे दोनों के साथ मैं निकल गई थी। और रात का सफ़र ना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ का रास्ता तो इतना अच्छा है, वर्धा से नागपुर का बहुत अच्छा रास्ता है, और रात का सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था आज का प्यारा सा व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।